अब मेरा एक क्वेश्चन, अगर एक 15 साल का बच्चा है जैसे ये जो एज है ना बॉयज की, वो क्या है मेरी नमाज है ना आपने मुझे बता दिया मुझे पढ़नी है, अब मैं नहीं पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी कब्र में जा रहा हूँ, आपसे कब्र कब्र बोल रहे बेटा अपनी कब्र में जाओ, दादा बोल दिया उसको बड़े के साथ एक्सपेरिमेंट पीस पढ़ लिया, वो कह रहे ठीक है मैं अपनी कब्र में जाऊंगा आप अपनी कब्र में जाएंगे, आई विल आंसर माय सेल्फ, मुझे करने दे मैं खुद पढ़ लूंगा अपने टाइम में, फिर वो नहीं पढ़ना, फिर दोबारा नहीं पढ़ा, फिर दोबारा नहीं पढ़ा, उसके छोटे भाई पढ़ रहे हैं नमाज, उनके अंदर कंसर्न है क्योंकि उनकी शायद वो रेबेलियसनेस वाली एज नहीं है, लेकिन जो बच्चा आपको साफ साफ कह रहे कि आई एम ग्रोन अप नाउ एंड आई एम आंसरेबल टू माय ओन थिंग्स इन माय ओन कब्र, तो आप क्यों मुझे बार बार कह रहे डोंट से टू मी, हम अभी भी बड़े ही बने हुए क्योंकि मैं कहती हूँ बीइंग अ मां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू अगेन अगेन, लेकिन वो साफ साफ बोल रहा है कि अब मेरी कब्र मेरी और आपकी कब्र आपकी है, तो लेट मी डू माई थिंग्स। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगी कि अभी आप पहले अपने आप को देखिए, अपना पैराडाइम शिफ्ट करें। मसला इस वक्त यही है कि हम क्या चाहते हैं कि जो भी हम सीखने के लिए आते हैं ना, हमें बच्चे के लिए फॉरन सोल्यूशन मिल जाए। सबसे पहले अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आए ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी अपने रोल के बारे में। अभी उसको जवाब ना दें, क्योंकि आप जवाब गलत दे रही है ना कि बेटा हमने कब्र में जाना है, कहेगा मैंने अपनी कब्र में जाना है आपको क्या। तो आपको उसको टैकल सही तरह नहीं करी, वो हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। तो पेरेंटिंग अप्रोच में आपने देखना है कि एम आई अलाउइंग माई सेल्फ फॉर बेटर रिलेशनशिप विथ माई चाइल्ड, क्या मेरी अप्रोच ऐसी है कि मैं उसका अपना रिलेशनशिप बच्चे के साथ बेहतर कर रही हूँ। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि हाउ कैन आई पेरेंट माई चिल्ड्रन विद एन अवेयरनेस ऑफ वट दे ट्रूली नीड फ्रॉम मी, अपने आप से सवाल ज्यादा पूछने हैं। They want time and trust, और ये ordinance जो है जो हम order करते रहते हैं। जी तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसको हम किस तरह minimize करें, जैसे you said ना कि minimize conflicts, जिसमें हम conflicts की जब हम टाइम उनको देते हैं ना, तो हम उस टाइम में उनको फिर पढ़ाई करने के बारे में, नमाजें पढ़ने के बारे में, ये करना, हम डूज एंड डोंट्स की लिस्ट लेकर आते हैं। तो हमने डूज एंड डोंट्स की लिस्ट को नहीं लाना। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, हाउ कैन आई रेज अबव माई ओन फियर ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, हमें ये डर लगता है, हम ये सोचते हैं कि हम बच्चे से अच्छी तरह बात करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी बातें माननी पड़ेंगी। आपको पता है बच्चा भी यही समझता है, बच्चा क्या समझता है कि बात मत माननी अपने पेरेंट्स, नहीं जैसे अम्मा का थोड़ा सा टोन अच्छी हुई, अम्मा शायद ये कर ले, अच्छा अम्मा थोड़ी सी मैं थोड़ा प्यार करी, अच्छा अम्मा जी कर ले। जैसे मैं कभी भी किसी बच्चे को कहूँ पर्सनली कि बेटा आपकी मामा क्या चाहती है, कहती है मेरी मामा कहती है कि आप नमाज पढ़ें, तो मैं कहती हूँ आप नहीं पढ़ना चाहते, बच्चे कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ फिर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, तो वो कहती है हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि फिर हम अम्मा यहाँ पे रुकेंगी नहीं, फिर कहेंगी हिजाब पहनो, फिर हिजाब पे नहीं रुकेंगी, फिर कहेंगी नकाब लो एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट येट, या फिर मुझे वो मूवी नहीं देखने देंगी, या फिर मेरे फ्रेंड्स को रोकना शुरू कर देंगी। तो बच्चे के भी ऐसे ही फियर्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत से काम करना जो चाह रहा होता है वो नहीं करता, वो वहां पे डर जाता है, घबरा जाता है। सबसे पहले बच्चे पे ना जाएं, पहले सिर्फ अपने आप को देखें। जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, जो मैंने पहले बात की है, जब आप खुद एम्पावर हो जाएंगे, बच्चे को हैंडल करना कोई इतना बड़ा बिग डील नहीं है। लेकिन जब आप कंफ्यूज पेरेंटिंग करेंगे तो फिर बच्चे के साथ आपका मसला जो है वो बढ़ेगा। डेयर आई गो अगेंस्ट द स्ट्रीम, क्या स्ट्रीम है इस वक्त, चीजों का रुख किस तरफ है, ये जो बच्चे में प्रेशर भी देते हैं, सबके पास गैजेट्स हैं, सबके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, सबके पास सब कुछ है, और हमें ये मसला हो रहा होता है कि जब सबके पास सब कुछ है तो मैं अगर अपने बच्चे को ये चीजें नहीं दूंगी तो मेरा बच्चा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, घर में जैसे आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो जी वो सारे वो चीजें यूज कर रहे हैं, सारे जंक खा रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे फैसला करूं कि जी ये काम करना है या नहीं करना, फिर उसमें मेरा चैलेंज आ रहा है। तो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कुछ ऐसी मदर्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करने के लिए बड़े सही पैरामीटर्स इख्तियार किए, लेकिन अब वो टीनेज में आए हैं, वो बात नहीं सुन रहे। अच्छा, जब वो बात नहीं सुन रहे तो वो माँ को क्या कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर ना सेल्फ एस्टीम का चैलेंज पता है क्यों है मामा, आपने मुझे पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश की। और अब हम बैठ के क्या सोचते हैं, हाँ वाकई मैं ना अपनी एक जानने वाली है, मेरी एक रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, उन्होंने तो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं कहा, वो तो फिर भी नमाज पढ़ लेता है, मैंने शायद गलत किया। आपने गलत किया? अगर आपने अपने बच्चे को कहा बेटा नमाज पढ़ो, गलत किया? बच्चे को कहा बेटा तुम्हें छोटी एज में गैजेट नहीं मिल सकता, गलत किया?
नहीं, हम देखे बच्चे को एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन तौफीक कहाँ से मिलनी है? अल्लाह ताला की तरफ से। हम बार बार कहते हैं, लेकिन जब हमारे पास प्रैक्टिकली वो मसला आता है तो फिर हम घबरा जाते हैं। क्या नूह अलैहिस्सलाम का कहीं हमें कोई ऐसा वाकया मिलता है कि उन्होंने कहा मैंने 950 साल तबलीग की, मैं अपने बेटे को नहीं देख पाया? या उनके बारे में कहीं पे कुरान में कहा गया हो, या कहीं पे कोई तबसरा किसी आलम दीन ने किया हो कि देखें जी वो दीन का इतना काम कर रहे थे, अपने बच्चे को तो देखा नहीं। क्योंकि हम तो क्या करते हैं, जैसे आप वो मदर हैं जो बहुत सीखने की कोशिश कर रही हैं, बहुत ज़्यादा दीन को समझने की कोशिश कर रही हैं, और ज़रा सा आपके बच्चे का कोई मसला आए तो पहले तो इर्द गिर्द के अफराद आपको कहते हैं लो खुद तो तुम इतना काम कर रही हो, अपने बच्चे को तो देखो। फिर बाहर वाले यूँ बैठते हैं, हाँ देखो ये तो खुद इतनी लगती हैं साउंड, इतनी रिलीजियस, लेकिन इनका बच्चा कैसा है? ये हमारे ऊपर कितने बड़े प्रेशर आते हैं और हम इससे डील नहीं कर पाते। हम इसकी वजह से फिर क्या करते हैं, मिक्स डिसीजंस करना शुरू कर देते हैं, उस क्लैरिटी को छोड़ देते हैं। डू आई रिकग्नाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई पेरेंटिंग? हम अपने आप को कितना पहचानते हैं, अपनी पेरेंटिंग को, मैं वहां पे क्या क्या गलतियां करती हूँ? जैसे रिपीटेडली वही सवाल आते होते हैं, ये कॉमन सवाल है जो आप पूछ रहे हैं कि बच्चा फिर ये कहता है मेरी मर्जी है, बच्चा फिर ये कहता है, बच्चा फिर ये पूछता है, इसमें गलतियां क्या हो रही हैं? इसमें वो जो हम एंटरटेन कर रहे हैं बच्चों को बहुत ज्यादा और गलत तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं, वहां गलतियां हो रही हैं। एम आई एबल टू परसीव माई रिलेशनशिप विद माई चाइल्ड? क्या है मेरा रिलेशनशिप मेरे बच्चे के साथ, कैसा है? मुझे उस पर बार बार तवज्जो देनी है। और आपको पता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, इट इज सो डिफिकल्ट कि आप उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें, ये आसान काम नहीं है। बच्चे हर वक्त फोन पे बैठे हुए हैं, बच्चों की क्लासेस हैं, बच्चों ने आपसे 10 मिनट बात करनी है, उस 10 मिनट में आपने उनको कोई इंस्ट्रक्शन भी देनी है, टोकना भी है किसी बात पे, प्यार भी करना है, रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है। कितना बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से हम करें। आजकल की पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट पेरेंटिंग है, फितनों के दौर है ना, लेकिन अल्लाह ने हमें इसी वक्त के लिए चुना है, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कोई सलाहियतें रखी हैं इस वक्त के हिसाब से कि हम ये काम कर सकते हैं। हमें अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। तो हमने क्या करना है कि एक बात के बारे में केयरफुल होना है, हम क्या कर रहे होते हैं, रिक्रिएट आवर ओन चाइल्डहुड डायनामिक्स। जो हमारा बचपन का एक्सपीरियंस होता है ना, हम उसको आगे रिक्रिएट कर रहे होते हैं। किस किस तरह करते हैं, जब भी बच्चा कोई बिहेवियर शो करता है तो हमें या तो अपना कोई बिहेवियर याद आता है, वैसे ज़्यादातर हम अपने गलत बिहेवियर भूल चुके होते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं हमने तो कभी तंग नहीं किया। अच्छा, हमारी माएँ भी भूल चुकी होती हैं, वो भी कहती हैं तुम तो बहुत अच्छे बच्चे थे। मैं तो हॉस्पिटल में तकरीबन डेली देखती हूँ कि जैसे न्यू बॉर्न है, मैं जब उसको एग्जामिन करती हूँ तो नानी कहती है कि मेरी बच्ची बेचारी सारी रात जा के दूध पिलाती रही। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 हैं 5 हैं। मैं कहती हूँ कि आप नहीं जागी? फिर वो सोचती हैं, कहती हैं हाँ मैं जागी हूँ। तो मैंने कहा देखें, आपकी बेटी भी जब माँ बनी है तो ये उसके ऊपर जिम्मेदारी आई है और ये उसका साइकिल चलेगा, तो आपको इस साइकिल को इंजॉय करना है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, आपने उसको कॉन्फिडेंस देना है कि ये साइकिल आता है। समझ रहे हैं बात को, कि उससे कितना फर्क पड़ जाता है आगे जो है। इसी तरह हमारी अच्छी और बुरी मेमोरीज का हम पे बहुत असर होता है। हम अपनी ना कई दफ़ा उस पास में चले जाते हैं। मसलन अगर आपको किसी से मार पड़ी हो, आपको किसी ने अब्यूज़ किया हो, आपकी कोई ख्वाहिश हो वो आपको ना करने दिया गया, जैसे किसी कोई पढ़ ना सका हो। मैं एक ऐसी मदर को जानती हूँ जो डॉक्टर बनना चाहती थी, वो नहीं बन पाई और उनकी शादी हो गई। शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब उन्होंने बचपन से अपने बच्चों को यही सिखाया कि तुमने डॉक्टर बनना है, और उन्होंने डॉक्टर बना के छोड़ा। बच्चे लाइक थे माशाल्लाह, लेकिन उनका ड्रीम था, शी लिव्ड दैट ड्रीम थ्रू हर चिल्ड्रन। इसी तरह आप देखिए, किसी का दिल चाहता है मैं हिफ्स करूं, खुद क्या नहीं जाता तो हम क्या करते हैं बच्चों को, बच्चे की हम कैपेसिटी देखते नहीं, फिर हम खुद भी डिसअपॉइंट अपने से भी हो जाते हैं, बच्चे से भी हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह हम बहुत सी जगहों पर अपने पास्ट को रिविजिट कर रहे होते हैं। मुझे ये मसला हुआ था, जैसे आप देखिए स्पेशली टीनेज में आकर अब हमें अपने चैलेंजेस भी याद होते हैं, तो हम ये चाह रहे होते हैं हमारे बच्चे वो गलतियां ना करें। जिस जमाने में हम टीनेजर्स थे उस जमाने में तो कुरान की इतनी क्लासेस भी नहीं होती थी। हमने बाद में कुरान पढ़ा, हमने कुरान को समझा, और हम हमेशा सोचते हैं, मैं भी उन्हीं मदर्स में से जो सोचती हूँ कि अच्छा अगर मुझे उस एज में कुरान मिल गया होता तो मैं ये गलतियां ना करती, मैं ज्यादा ईमान के मामले में स्ट्रांग होती,
मेरे रिलेशनशिप्स अपने वालदैन से और अफराद से ज़्यादा दुरुस्त होते, फिर मैं डेस्परेट हो जाती हूँ कि मेरे बच्चे वो गलतियाँ ना करें। लेकिन बच्चों के ऊपर एक और जलगार है, वो उस वक्त उस बात को समझ नहीं रहे होते, वो हमारी पुरानी तस्वीरें निकाल निकाल के कहते हैं अच्छा आप तो ये भी करती थी, अच्छा फलां ने बताया आप तो गाने सुनती थी जिससे आप मुझे रोकती हैं कि वो हराम है, तो खुद आप कैसे सुनती थी। चले कोई बात नहीं मामा, व्हेन आई विल बी योर एज आई विल ऑल्सो स्टॉप। और हमें पैनिक अटैक शुरू हो जाता है क्योंकि अब हमने इस्लाम को इतना पढ़ लिया है, अब हम कहते हैं अब क्या करें। फिर इसी तरह हमें पेरेंटल अटैचमेंट का नेचर नहीं समझ आता। इंशाल्लाह इस पर हम आगे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि अटैचमेंट बच्चे के साथ कैसे लेके चलनी होती है। फिर हमें एक्नॉलेज नहीं करना आता, अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करना आता, अपनी तारीफ नहीं करनी आती। अक्सर माओं से मैं पूछूं सुबह से शाम तक आपने क्या किया है, कहती हैं कोई ख़ास नहीं, बड़ा सोचती हैं पहले, फिर कहती हूँ कोई ख़ास नहीं। मैं कहती हूँ अच्छा सुबह बच्चे को उठ के तैयार किया, हाँ जी वो तो किया, वो तो सारे ही करते हैं, तो शाबाश दी अपने आप को। नहीं तो वो तो हस्बैंड भी कह देना तुम सुबह से क्या करती, आप उसको एंटरटेन ना करें, आप फौरन उस वक्त सोचें मैंने क्या किया, मैं सुबह उठी, मैंने बच्चों को उठाया, मैंने उनको तैयार किया, उनको तैयार करके भेजा, मैं खुद तैयार हुई, मैंने अपना नाश्ता किया, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, यू नो अब मैं कोई और जो घर के काम है, फिर बच्चे आएंगे, फिर मैं बच्चों को मिलूंगी, देयर इज सो मच आई डू। ये तो हमारे अपने ऊपर है ना कि हम अपनी वेटेज कितनी रखते हैं, और बच्चों को हम कैसे ट्रेन करना चाहते हैं, परफेक्ट। देखिए मतलब मुझे तो गुस्सा आता है, लेकिन बच्चे को तो नहीं आना चाहिए। अब देखिए ना मतलब मेरी तो जहाँ शादी हुई है मेरी मियाँ ही ऐसे हैं और ससुराल ऐसा है, तो स्ट्रेस तो होगा ना, तो बच्चे को क्या स्ट्रेस है, इसको क्यों स्ट्रेस हो रहा है, अजीब बात है, ये ऐसे जी ये एक्ट करता है आपके सामने, मसला नहीं है कोई, बिकॉज हमारे माइंड में एक परफेक्ट पिक्चर है कि जी बच्चा ऐसे ही सारा करे। असल मसला क्या होता है, वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर ओन वर्थलेसनेस एंड पावरलेसनेस, हम अपने आप को पावरफुल नहीं समझते। जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग आ गई ना, आपकी चाल ढाल में ये आ गया, पावर का ये मतलब नहीं कि हम बच्चों को बुलडोज कर देंगे, पावर का मतलब है कि आप अपने आप को वेल इक्विप्ड समझ रही हैं। अगर किसी चीज़ का सलूशन नहीं आ रहा तो आप उसका सलूशन ढूंढ के वहां तक जा रही हैं, सही जुमले बोल रही हैं, सही बात कर रही हैं, अपने हालात के मुताबिक एनालाइज करके उस वहां तक पहुंच रही हैं। तो मसाइल तो अल्लाह ने हल करने हैं ना, हमने अपना रोल सही प्ले करना है बस। हम सिर्फ टेक्निक से अपने मसाइल नहीं हल कर सकते, हम मसाइल भी अल्लाह की तौफीक से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये तो तसल्ली होगी कि मैंने काम सही किया, मैं बोली सही, मैंने जो मेरे कंट्रोल में अल्लाह ने दिया था वो काम मेरा जो था वो दुरुस्त था। और ये जो वर्थलेसनेस की फीलिंग है, आप देखें ना, आपने बच्चा पैदा किया, आपने उसको रातों को पाला संभाला, खाना खिलाना सिखाया, तरबियत के नुक्ते किए, और आप अपने आप को हरकत कहती है मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगर आपके तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, उनमें से दो तीन अच्छा काम कर रहे हैं, एक बच्चे का चैलेंज आ रहा है, यूजुअली आप देखें एक बच्चे का चैलेंज आता है यूजुअली, या हर बच्चे का एक डिफरेंट नेचर का चैलेंज होता है, तो हम अपने आप को वर्थलेसनेस पे ले जाएं। यानी जब आपको लगे ना हाई ये नमाज नहीं पढ़ता, मैंने शायद कुछ गलत किया है इसके साथ, तो अगले दो को भी देख लेना, वो तो पढ़ रहे हैं ना, दैट मीन्स कि नहीं इसमें कोई इस वक्त ऐसा फैक्टर है। ठीक है मुझसे भी कोई गलतियां हो सकती हैं, मैं इंसान ही हूं, वो सारी बातों को समझना जो है जरूरी है, अपनी वर्थलेसनेस पे नहीं जाना, अपने आप को वर्थ वाइल समझना है। होता ये है कि ये जब सारा कुछ हो रहा होता है ना, हमारे दिमाग में कीड़ा चल रहा होता है, तो हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते जो करंट प्रैक्टिस है, हमारे दिमाग में जो इमोशनल तूफान उठते हैं, सुनामी वेव्स आती हैं, ये हमें कुछ नहीं करने देती, ये हमें बस बुलडोज करके जाती हैं, फिर हमें गले में फंदा होता है, फिर हम अपने मियाँ का इंतज़ार करते हैं, फिर वो आते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आप कुछ नहीं करते, आपको परवाह ही नहीं है, यू डोंट प्ले योर रोल राइट, ये मैं ही हूँ जो कि मुझे सब कुछ करना पड़ता है, क्या फ़ायदा। अच्छा इसमें मैं ये भी शामिल करूँगी, क्योंकि कुछ मेरे जैसे लोग भी यहाँ पर हैं जो कि नानियाँ दादियाँ हैं, ये भी मैंने बहुत बड़ा फैक्टर देखा है। मसलन फ़र्ज़ करें आप कोई काम नहीं कर सके, बच्चों का नेचर डिफरेंट था, और आपने अपने बच्चों को सिखाया, अब उनके जब बच्चे हो रही हैं तो वो उनको बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं वो चीज़, उस पर भी हम खुश नहीं होते कई दफ़ा, क्या हमें फ़ील होता है, गिल्ट फील होता है अंदर से कि मैं नहीं कर सकी और मेरे बच्चे कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं करा सकी लेकिन वो अपने बच्चों को करा रहे हैं,
और उस पे भी फिर हम क्या करते हैं, अजीबो गरीब तरीके से अपनी बहू से या बेटे से अपना ताल्लुक रख लेते हैं। देखिए ना, मैंने अपने बच्चों को चॉकलेट्स खिला दी, बाकी और जंक दे दिया, बाद में मुझे ख्याल आया कि ये नहीं देना चाहिए था। अब मेरे बच्चे बहुत केयरफुल हैं, वो अपने बच्चे को आगे जो है, यानी जो मेरे कोई पोते पोतियां नवासे नवासी हैं, उनको नहीं देते। अब मैं क्या करूंगी, गोद में बिठा के जान जान के उनके लिए टॉफियां चॉकलेटें लाऊंगी, बिस्किट लाऊंगी। ये भी हम इसी वजह से कर रहे होते हैं, गिल्ट में आकर, बजाय इसके कि हम उनको शाबाश दें, हम सोचें कि ठीक है देखो एक काम मैं नहीं कर सकी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की मैंने अच्छी तरबियत की है कि उनको इस बात की भी समझ आ गई और उनके अंदर ये भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने ये नहीं करना। समझ रहे बात को? तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको देखना है। और बच्चा उस वक्त इस सारे प्रोसेस में हमें क्या कह रहा होता है, आई एम यूनिक विद डिफरेंट नीड्स। इससे तो हमारे माइंड में और कंफ्यूजन होगी ना कि मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ और आप कुछ नहीं कर रहे, आप हमने दूसरों को नहीं बताना होता। ये एक्नॉलेजमेंट हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें वोट नहीं लेने, पॉपुलैरिटी वोट नहीं लेने कि मैं आकर तकरीर करना शुरू कर दूं, धरना एंड तकरीर। हमें खुद एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि मैंने क्या किया और कौन से एरिया का गैप रह गया और उसको मैंने फिर आगे कैसे फिल करना है। जो बच्चे का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, ये याद रखें, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू ग्रो डिफरेंटली। अल्लाह ताला बच्चे के जरिए हमें कुछ सिखाना चाह रहा होता है। क्या सिखाना चाह रहा होता है अल्लाह ताला? सबर, शुक्र, हमारी इस्लाह, हमारा स्किलफुल होना, हमारी एंगर मैनेजमेंट, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो, क्योंकि जिंदगी में तो हर वक्त क्राइसिस आते हैं। तो बच्चे के जरिए अल्लाह ताला एक क्राइसिस भेजता है कि अब ये इसमें कैसे अपने लिए अजर कमाती है। तो हमें अपने अंदर बार बार देखना होगा। पहली बात अपने आप को क्या समझानी है, ये क्या है, नो क्विक फिक्स। ये मेरे पास जो सवाल आते हैं ना, नहीं अगर ये कर रहा है तो क्या करें, एक लाइन में जवाब नहीं है। आपको अपनी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, बार बार काम करना पड़ेगा। सोल्यूशन हमें पता होते हैं, लेकिन जो इफ्स एंड बट्स हैं क्यों होते हैं, ज्यादातर इस वजह से होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि भाई मतलब देखिए मैं तो अब ना इतने साल की हो गई हूं तो मुझे तो अपने पर काम करने में बड़ा टाइम लगेगा। बच्चे का मसला तो फौरन हल हो ना, विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स, वो नहीं हो सकता। सो आपने अपने आप से बार बार पूछना है कि मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूं। डोंट हैव टू लुक आउटसाइड फॉर पेरेंटिंग रिलेशनशिप आंसर्स। आपको बाहर नहीं ढूंढना, अंदर ही आपके जवाब हैं। आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है? आज सास ने एक जुमला बोल दिया, मियाँ ने ये काम नहीं किया, पैसों की टेंशन है, फाइनेंसेस हैं, अपनी वर्थलेसनेस फील होती है कि मैं तो इतने ख्वाब रखती थी, अब कुछ भी नहीं करी, घर में फारिग बैठी हुई हूँ। और वो सारी फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर जब जमा होती हैं और एक मासूम बच्चा आकर अपना कोई चैलेंज थ्रो करता है तो हम क्या करते हैं? उस वक्त हम वो वाला काम कर रहे होते हैं कि अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकालते हैं। सो असल में हमें एक एक्चुअल एक्सपीरियंस चाहिए कि हम बच्चों से रिलेट कैसे करेंगे, और हमें विलिंग होना पड़ेगा टू बी एक्टिव पेरेंट। इसके लिए हमें एक लाइफ फिलॉसफी सीखनी होगी। ऑर्डिनरी मोमेंट टू मोमेंट एंगेजमेंट बच्चों के साथ कैसे करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की मुनासबत से बात करके सिखाया। हम मौके की मुनासबत से लेक्चर देते हैं, बात नहीं करते, सिर्फ हम वो दुआएं नहीं पढ़ते, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, लेकिन हमारा लेक्चर ही होता है, इसको देखो उसको देखो, हम ओवरडोज देते हैं हर वक्त। देखिए दीन की बात करने में आप साइंस भी ला सकते हैं, आप कोई बेसिक एथिक भी ला सकते हैं, हर दफा आपको ये नहीं बताना कि इस्लाम ये कहता है और मुसलमान ये करता है और हमें अल्लाह का बंदा बनना है। उसकी टर्मिनोलॉजी भी कभी कभी चेंज करनी है। फिर इसी तरह से प्रेजेंट मोमेंट जो होता है वो हमारे लिए लिविंग लेबोरेटरी होता है। जैसे आप देखें बच्चे जब एग्जाम भी देते हैं या पढ़ाई भी करते हैं या लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो जो इमीडिएट रिएक्शन है वो ठीक होना चाहिए। हमें ये नहीं आता, हम बाद में सोचते हैं ओहो ये बोलना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। अच्छा, और उसको बार बार रिपीट होने देते हैं। हम सबके साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता है कि कभी कोई सिचुएशन बच्चे के साथ मिस हैंडल होगी,
लेकिन फिर मेरे पास एक कोई तरीका होना चाहिए कि मैं अपने आप को असेस करूं कि लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हुए मैं तो पहुंच गई थी फलां साल में, उस महीने में, उस इमोशन में, तो लैब में रहते हुए मुझे एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत केयरफुल रहना है और उस एक्सपेरिमेंट तक ही रहना है, उसको पास्ट और फ्यूचर में फैलाना नहीं है, उसको कहना है इस वक्त का जो ये मसला है इसको मैं हल कर लूँ। क्योंकि देखें, दो सिचुएशन आपको देती हूँ ना, बच्चे ने फोन ले लिया या बच्चा आपसे गेम की परमिशन मांग रहा है, एक आप सोचती हैं कि ये इस वक्त परमिशन मांग रहा है या मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मैंने रूल बनाया हुआ है, ठीक, तो आप उसको हाँ या ना बोल के फारिग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके सोचते हैं चलो कल भी इसने ये किया था, पिछले साल से ये कर रहा है, ये बढ़ाता जा रहा है, ये पढ़ता नहीं है, ये फ्यूचर में ऐसा होगा, ये पता नहीं क्या करेगा, इसका आगे क्या बनेगा, फिर हम ओवरवेलम हो जाते हैं, पहले हम डांटते हैं फिर बच्चा हमसे परमिशन ले जाता है। सिर्फ उस वक्त सोचना है कि इस वक्त का काम जो है वो दुरुस्त करना है, और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम आगे भी बहुत सी बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज टू नर्चर सेल्फ डेफिनेशन, रिजिलियंस, टॉलरेंस एंड कनेक्टेडनेस, हमें ये तरीके सीखने हैं, क्या है मेरी अपनी ज़ात कहाँ है, मैं अपनी ज़ात को कैसे देखती हूँ। इस्लाम ने माँ को बहुत वैल्यू दी है, 3 दफ़ा माँ का हक बताया है, लेकिन आज की माँ अपने आप को वैल्यू नहीं करती, वो कहती है मुझे वैलिडेशन चाहिए बाकी लोगों से, क्योंकि मेरे घर में मुझे कोई वैल्यू नहीं देता तो मैं अपने आप को वैल्यू नहीं कर सकती। नहीं, आपको अपने आप को इसलिए वैल्यू करना है कि आप माँ हैं, आपको दीन ने वैल्यू दी है, आपको अल्लाह ताला की तरफ से वैल्यू मिली है। माँ का कितना जिक्र है, प्रेगनेंसी का कितना जिक्र है, बच्चे की डिलीवरी का कितना जिक्र है, माओं की मिसालें कुरान में दी गई हैं, इसी तरह हदीस में माँ का जिक्र आया, माँ की वैल्यू का जिक्र आया। वैल्यू योर सेल्फ। उसके अलावा क्या है, अपने अंदर रेजिलियंस लाना, जो हम बच्चे में भी ट्रांसफर करेंगे। रेजिलियंस क्या होती है, इसको मिसाल हम बहुत सिंपल सी ये रखते हैं कि अगर एक अंडा होगा कच्चा, मैंने पकड़ा और मैं नीचे फेंकूं तो क्या होगा, टूट जाएगा, और अगर मैंने कोई पिंग पोंग बॉल लिया हुआ है तो उसको नीचे फेंकूं तो क्या होगा, बाउंस बैक करेगा, और जो वो पिंग पोंग बॉल नीचे जाके बाउंस बैक करेगा, जितनी जोर से फेंकूंगी क्या होगा, उतनी जोर से ऊपर आएगा। तो ये है, हम तो अंडे की तरह कच 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 रोज टूटते हैं हर सिचुएशन पे, कभी दिल टूट गया, कभी रोना आ गया, कभी कोई मसला हो गया, फिर हमसे सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही, हमें बाउंस बैक करना आना चाहिए। जितनी जोर से हमें कोई नीचे गिराएगा हम उतनी जोर से दोबारा उठेंगे, बिकॉज अल्लाह ने हमें जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया, हमारा रोल डिफाइन कर दिया है। और टॉलरेंस हमारे अंदर होनी चाहिए, हस्बैंड के लिए टॉलरेंस, ससुराल वालों के लिए टॉलरेंस, सोसाइटी के लिए टॉलरेंस, हमने अब उस खानदान में रहना है, हमें उसमें रहते हुए उसमें से रास्ता निकालना है। देखिए, जो पुरानी माएँ होती थी उनके तो हस्बैंड इतने स्ट्रिक्ट होते थे, इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि ख्वातीन बोल नहीं सकती थी, और उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी घर की बहुत होती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने बर्दाश्त किया, उस बर्दाश्त करने की वजह से उन्होंने अपनी अगली नस्ल को बेहतरी की तरफ लेके गए। इसमें डेफिनेटली अगर किसी का कोई बहुत बड़ा अब्यूज है तो उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर बात को इशू बना लें। और प्रोफेशनल हेल्प भी लें तो फिर भी आपको काम खुद करना पड़ेगा, वो तो सिर्फ आपको कुछ टिप्स बता देंगे कि आप इस तरह से करें। तो अपनी अनमेट नीड्स को आइडेंटिफाई किया करें और उसके लिए प्लान बनाया करें। पता है, ये जब हम इफ्स एंड बट्स करते हैं ना, हम काम नहीं करना चाह रहे होते। कल मेरी एक फैमिली से बात हो रही, जो हस्बैंड है उनके कोई मेडिकल चैलेंजेस हैं और आजकल फिर उनके पास जॉब नहीं है, उनकी वाइफ है, उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप हमें कुछ गाइडेंस दे दें कि हम क्या करें। मैंने जब बहुत सारी चीज़ों में देखा तो उनके हेल्थ चैलेंजेस में उनका वेट भी ज़्यादा, उनके खाने पीने की हैबिट्स ठीक नहीं, तो वो जो फैमिली से एक से मैं डील कर रही हूँ तो पता चला कि जी वो खाने पीने का सिस्टम ठीक नहीं, अब उनका फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। अब मैं उनको जो बात बताती हूँ, उनके हस्बैंड कहते हैं कि हम ये भी नहीं कर सकते, वो देखे ना पैसे इतने नहीं हैं, हम ये भी नहीं कर सकते, आपको नहीं पता हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस कितना है। तो मैंने जब वाइफ से पूछा कि अच्छा फिर आप लोग खाते क्या हैं, डेली चिकन खाते हैं के बच्चे सब्जी नहीं पसंद करते, हस्बैंड वो 4-5 एग्स डेली खाते हैं, एक इंसान जो ऑलरेडी बीमार है उसको इतनी इन्फ्लेमेशन दे रहा है, इतनी खराबी जिस्म में कर रहा है। तो मैंने उनको फिर जब सारी डिटेल सुनी तो मैंने उनको कहा देखिए मसला फाइनेंसिस का नहीं है। वाइफ ने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कुक करने के लिए, एक बच्चा छोटा है, फिर किसी को पढ़ाना है, फिर घर के काम करने में, मसला प्रायोरिटी का है, जो चीज़ हमारी तरजीहात में से नहीं होती हम उसको नहीं कर पाते।